अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो सिंपल सुपर इजी सा वॉल डेकोर आइडिया, जो कि ये बन तो जाता है मिनटों में, लेकिन बन के जो तैयार होता है वो काफ़ी क्लासी और इलिगेंट लगता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो हम सबसे पहला बनाएंगे ना, तो इसके लिए मैंने लिया है ये आइसक्रीम स्टिक। ये मेरे पास छोटा था तो मैंने छोटा लिया, अगर आपके पास बड़ा हो तो वो ज़्यादा अच्छा, आप बड़ा ही लीजिएगा। और ये स्टेशनरी शॉप में बहुत ही इजीली मिल जाता है। तो इसे बस हमें लेना है ग्लू गन और इसे एक दिन चिपकाते जाना, यानी कि इसका और शेप में हमें बॉक्सेस बना लेना है 12, 14, 16, आप जितना चाहे बना सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा बनाइएगा और यानी कि ज़्यादा बड़ा बनिएगा तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ग्लू गन से ही चिपकाइएगा। एक तो ग्लू गन से तुरंत सूख भी जाता है और काफ़ी मजबूत से मजबूती भी होती है, लेकिन अगर हम फेविकॉल वगैरह से करते हैं तो फिर उसे सूखने में टाइम लगता है। तो इस तरह से मैंने इसमें जो है ना अभी 14 बॉक्सेस बना के तैयार कर लिया है। अभी फिर से हमें इसे एक दूसरे पर इस तरह से चिपकाते जाना है। तो देखिए, इसके कॉर्नर में दोनों को चिपका दिया। इस तरह से मैंने 3 ऊपर और 3 नीचे चिपकाया है। चिपका लिया है ऊपर 4 और नीचे 4। उसके बाद है ना, अब एक पे एक हम रखते जानेंगे, यानी कि ये दो का सेट है, उस पे जो है ना उसके ऊपर से हम चढ़ाते हुए इस तरह से चिपकाएंगे। तो इसमें भी हमें लंबाई में 3 का लाइन हमें बना लेना है, एक दूसरे पे चढ़ाते हुए इस तरह से हमें चिपका लेना है। तो ये आप देखने में आपको लग रहा होगा कि किस तरह से बना हुआ है, लेकिन ये बनाने में बहुत ईजी है, सिर्फ 2 मिनट में ये सारा चिपक के तैयार हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से हमें 3 लाइन कर लेना है। आप चाहें तो ऊपर वाला लाइन है ना जो मैंने 4 चिपकाया, वो आप 6 भी चिपका सकते हैं, 8 भी चिपका सकते हैं, तो वो और बड़ा बनेगा। तो देखिए, इस तरह से ये पूरा शेप बन के रेडी हो चुका है। और अब हम इसे करेंगे कलर। तो कलर करने के लिए आप है ना कोई भी स्प्रे कलर भी ले सकते हैं, या फैब्रिक कलर, या फिर एक्रेलिक कलर। तो ये मेरे पास एक्रेलिक कलर है, तो बस मैं उसी से इसे पूरे पर अच्छे से इसे कलर कर देना है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था बन के देखने में। ऑनलाइन भी आप इस तरह से ना वॉल डेकोर आइटम देखेंगे जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन जब हम घर से अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं तो एक तो अच्छा भी लगता है, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब सा आता है। तो इस तरह से हमें पूरा अच्छे से इसे वाइट कलर कर लेना है, ब्लैक। तो इसे है ना कलर ब्लैक ही कीजिएगा। और इसके बाद ये देखिए मेरा सूख जाता है, और ये एक्रेलिक कलर तो तुरंत सूख भी जाता है 10 मिनट के अंदर। और ये मैं बस इसे बाल पे चिपका दिया और ये देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। तो ये मेरा वाइट कलर का, क्रीम कलर का है, कैमरे में ये वाइट आ रहा है, क्रीम कलर का वॉल है, तो इस पर ये और भी खूबसूरत लग रहा है, ये ब्लैक सा वॉल डेकोर। तो इसे आप लोग जरूर बनाइएगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और सिर्फ 5 मिनट में बन जाने वाला जो है ना ये वॉल डेकोर है, और इसमें कुछ भी आपका जो है ना ज़्यादा खर्च नहीं होता है। तो यहाँ दूसरा जो बना रही हूँ इसके लिए यहाँ मैंने वुडन स्टिक लिया है, और अगर आपके पास ये बड़ा हो तो और भी अच्छा है, लेकिन ये मेरे पास छोटा ही है तो मैं इसे ज्वाइंट करूँगी। तो इसे एक थोड़ा मोटा सा बनाने के लिए ना मैं एक पे एक रख के 3 का 1 बनाऊँगी। एक इस तरह से देखिए आप, एक चिपका दिया, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू गन लगा के थोड़ा हम इसे मोटा बनाना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये बना लिया है। तो इस तरह का स्टिक्स भी 8 तैयार कर लेंगे। और अगर आपके पास बड़ा वाला ये बैम्बू स्टिक है तो फिर आप एक ही रहने दीजिएगा। यहाँ मैं 8 बना रही हूँ ना, तो इसलिए 2-2 जोड़ के बनाऊंगी, 4 तरफ का फ्रेम टाइप का। नहीं तो अगर आपके पास बड़ा है तो बस 4 ही रहने दीजिएगा, 4 को ही जो है ना चौड़ाई में मोटा कर लीजिएगा एक पे एक लगा के। उसके बाद मैं इसे गोल्डन कलर से कर रही हूँ, आपके पास स्प्रे गोल्डन कलर हो तो उससे कर लीजिएगा। और बस इसे सुखा लेना, ये तो बस 2 मिनट में ही सूख जाएगा।
तो बस ये बन के तैयार हो गया था और मैंने इसे कलर किया और ये सूख भी गया। और बस एक से दूसरे को मैं इसे चिपका के थोड़ा लंबा कर ले रही हूँ, तो डायरेक्ट इस पे ग्लू गन जो है ना थोड़ा नीचे करके लगाना पड़ेगा तभी ये चिपकेगा। तो थोड़ा सा ग्लू गन को ग्लू को लगा के ना चिपका के थोड़ा देर 2 सेकेंड इस तरह से दबा के रखना चाहिए ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए एक ये फ्रेम टाइप का ये बन गया है। अब अगला मैं इसके लिए ना ग्लिटर सीट, ये भी स्टेशनरी शॉप में बहुत ही आसानी से 20-30 रुपये में मिल जाता है, वो हमें ले लेना है। और इस पे है ना पेटल ड्रॉ कर देना है, यानी कि फूल का जो पंखुड़ी होता है ना, तो ये सबसे बड़ा है, बड़ा पहले करना है, बड़ा और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा करके हमें ना 12-10-20 पीस तैयार कर लेना। तो ये देखिए ये सबसे बड़ा है और फिर हम एक इस पे डालने का एक छोटा कर रहे हैं। तो इसी तरह जो मैंने बड़ा किया उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा हम कटिंग कर लेंगे और ये भी बहुत आसानी से कटिंग हो जाता है। इस तरह से आप अपने पसंद का कोई भी पेटल इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से हो गया और इसे बस कटिंग कर लेना है। तो एक तरफ हमारा 10 लगेगा, 2 लाइन बनाऊंगी देखते तरफ 10, तो 20 पीस इसका काटना है। तो ये आपको जो है ना 5 सीट आपका लग जाएगा ये ग्लिटर सीट। और ये काफ़ी अच्छे से कट जाता है ना, तो इसे कटिंग करने में बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए मैंने ये सारी कटिंग करके तैयार हो चुका है ये। और बस अब हमें ना इसे एक पे दो रख के, यानी कि एक बड़ा पे एक छोटा रख के, बस इसे शेप देते हुआ हमें इस पे, देखिए मैंने ये बड़ा ले लिया और एक इससे छोटा, छोटा क्या मतलब कि छोटा जो नज़र आए। और बस इस तरह से स्टेपलर मार लेना है पिन नीचे, बस थोड़ा ही सा मोड़ के मारिएगा ताकि एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाए और थोड़ा सा जो ये मुड़ जाए, बस ये हल्का सा मोड़ मोड़ के, और फिर सीध बस इस तरह से कोना में हमें मार देना है स्टेपलर ताकि ये दोनों एक साइड से जुड़ जाए। तो साड़ी को इस तरह से हमें 10 बना लेना है ये। फिर से हमें वो स्टिक ले लेना है और एक में एक जोड़ के थोड़ा लंबा कर लेना है और ये जो हमने पेटल बनाया है वो हमें इसे चिपका लेना है। तो ग्लू गन से ही हमें इसे चिपकाना है। तो पहले हमें सेट करके देख लेंगे इस तरह से एक तरफ और फिर दूसरी तरफ, तो ये भी बहुत ही ईजिली से चिपक जाता है, लेकिन ग्लू गन का ही यूज़ कीजिएगा ताकि ये मजबूत रहे। और थोड़ा दबा दबा के हमें इस तरह से चिपकाते जाना है, दोनों ही हमें इस तरह से रेडी कर लेना है दोनों ही स्टिक में। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, कैमरे में जितना भी लग रहा है ना वीडियो में आपको देखने में उससे भी ज़्यादा ये जब बनके तैयार हुआ है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये काफ़ी एलिगेंट सा है और ये बहुत ही ईजी सिंपल, आप लोगों ने देखा ही कितना जल्दी ये बनके तैयार हो जाता है दोनों ही वॉल डेकोर। और ये देखिए हमारा दोनों बनके तैयार है और हमने जो अभी इसे फ्रेम बनाया है उस पर हमें इसे चिपका देना है। तो बस इस तरह से सेट कर लेना है, थोड़ा ऊपर भी जाए तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी साइज़ का नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऊपर जाएगा तो और अच्छा ही लग रहा है। और ये देखिए मेरा चिपक गया। और आप चाहें तो बस इसी तरह से भी रख सकते हैं, तो ये बनके बिल्कुल रेडी है। लेकिन मैंने इसके साथ एक और काम कर दिया, एक इसी तरह का कार्डबोर्ड लिया है उसी के साइज़ का, और आप चाहें तो इसे काला पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये काला कपड़ा बेकार था तो मैंने इसे चिपका दिया है। और मैं जो इस पर और जो फ्रेम बनाया था वो इसको इस पर चिपका दूंगी, तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा, ब्लैक और का गोल्डन का कॉम्बिनेशन। तो आप चाहें तो इससे अगर काला ये नीचे का फ्रेम नहीं बनाना चाहें तो वो भी नहीं बना सकते, इस तरह से भी ये अच्छा ही लग रहा है। अब मैंने वॉल पे इसे चिपका दिया है तो ये फिर लाइट कलर के वॉल पे ये काफ़ी खिल रहा है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी बहुत सिंपल बिल्कुल बच्चों के से बन जाने वाला ये वॉल डेकोर आइडिया है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।